देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देश में जिस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा हुआ, आज उसी कानून के तहत मध्य प्रदेश में पाकिस्तान से आए नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर और भोपाल में सालों से रह रहे पाकिस्तान से आए 6 नागरिकों को भारत की नागरिकता के संबंध में प्रमाण पत्र दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने सरकारी बंगले पर इन नागरिकों को प्रमाण पत्र दिए। भारत की नागरिकता नहीं होने की वजह से इन लोगों को सरकारी कामकाज में सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकता मिलने के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान के जुल्म की दास्तान सुनाई और बताया कि जब वे पाकिस्तान में थे तो वहां पर किस तरीके से उन पर अत्याचार होता था, हिंदुओं को किस तरीके से निशाना बनाया जाता था, मंदिरों को किस तरीके से तोड़ा जाता था और पढ़ाई को लेकर पाकिस्तान में क्या व्यवस्थाएं थी। इसके साथ ही जब भारत में कुछ होता है था तो उनका रिएक्शन किस तरीके से पाकिस्तान में होता था। सर, नंदलाल पंजवानी जी, इस वक्त मैं बैरागढ़ भोपाल में रहता हूँ और 91 में मैं यहाँ आया था। काफ़ी संघर्ष किया नेशनलिटी के लिए मैं पहले जी काफ़ी जो है 2-3 मरतबा नेशनलिटी के लिए फार्म भरे, लेकिन अभी जाकर हमें जो है नेशनलिटी मिली है। आपका धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, 31 साल तकरीबन, 91 में मैं यहाँ आया हूँ और अब आकर हमें नेशनलिटी मिली है। सखर रोड़ी सिंध के रहने वाले हैं, क्योंकि मेरी उम्र जो है ना तकरीबन 81 साल, 81 ईयर्स। यहाँ पर 91 में हम आए, इंडिया में मंदसौर एमपी में आए हैं और आज 31 साल के बाद सरकार ने हमारी सुन ली है, सरकार ने हमको नेशनलिटी प्रदान की है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम अभी इंडियन कहलाएंगे। अभी तक तो हम नहीं इंडियन थे, नहीं पाकिस्तानी थे, पर अभी सरकार ने हमको ये नेशनलिटी प्रदान की है तो हम अपने आप को कम से कम इंडियन कहलाएं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम कोई काम धंधा नहीं कर सकते, और अगर बाबरी मस्जिद का कोई यहाँ पर होता था तो वहाँ पर हमारे मंदिर वगैरह जलाए जाते थे, बहू बेटियों को ले जाते थे, हम कोई काम धंधा नहीं कर सकते थे, लूटपाट बहुत होती थी, जुल्म सितम भी हमारे साथ बहुत करते थे। तो हमने सोचा कम से कम यहाँ पर हम चैन की नींद तो सो सकेंगे, इसीलिए हम इंडिया आए हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया कि हमको ये नेशनलिटी दी है और हमको बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम अर्जुन दास नैनवानी। 22 साल हुए, बहुत कोशिश करी हमने। अब तो कोशिश करी जब हमको मिली, अब तो बहुत हम खुश है। अब तो हम हैदराबाद से आए ना। अब लोग हैदराबाद से आए? हाँ, सिंध पाकिस्तान, पाकिस्तान से आए हैदराबाद। तो वहाँ क्या मुसीबतें ऐसी? बहुत परेशानी थी ना वहाँ पे, जब तो यहाँ आए ना। जैसे थोड़ा सा बताइए। हाँ, परेशान आए, परेशान हुई ना जब यहाँ आए ना। नहीं तो मुस्लिम है ना, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। मुसलमान अत्याचार करते मतलब? हाँ हाँ, कारण तो ऐसे थे, हम पहले तो ऐसे आए थे, मन को मुसीबत थी, इसलिए हम आए गए। इस वजह से ना हम यहाँ आ गए, तो यहाँ लड़का अच्छा मिल गया तो मैंने शादी कर दी यहाँ पे। कारण तो कुछ ऐसा नहीं था, हमारे को लग रहा था भाई ऐसे मुसलमान लोग हैं तो हम इसलिए यहाँ पे आ गए, इस वजह से। बहन जो खड़ी हुई है वहाँ से, सौसल्या भाई से लेके यहाँ तक, नंदलाल जी तक, ये पड़ोसी देशों में जो धार्मिक आधार पर पीड़ित हिंदू शरणार्थी कहलाए, जो उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए आज हम आदरणीय नंदलाल जी बैरागढ़ भोपाल से हैं, आदरणीय अमित कुमार जी बैरसिया रोड भोपाल से हैं, आदरणीय श्री अर्जुन दास जी मंदसौर से हैं, जयराम दास जी भी मंदसौर से हैं, श्री नारायण दास जी मंदसौर से हैं और श्रीमती सौसल्या बाई जी भी मंदसौर से हैं। इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आज कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पूर्ण की है और उनको आज कागज भी
दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ, साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर हैं 9926184111, 9926184101, सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।